सरोकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र लेंगे। जम्मू कश्मीर उधमपुर में पार्किंग में खड़ी बस में हुआ धमाका, दो लोग घायल। आज सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात करेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन, यात्रा के दौरान कई लोगों से मिले राहुल। तमिलनाडु में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को बैन करने का सरकारी आदेश जारी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश देश भर में मत्स्य पालन और तालाब के सुंदरीकरण के मामले में पहले स्थान पर है। इस कड़ी में प्रदेश में मत्स्य कल्याण समिति की बैठक की गई, जिसमें गोंडा जिले के हलधर मऊ में मौलाना तालाब को मत्स्य समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। मत्स्य कल्याण समिति द्वारा तालाब की सफाई कराकर एसडीएम हीरा लाल की देखरेख में तहसीलदार नरसिंह वर्मा व मत्स्य अधिकारी द्वारा तालाब में मछली डाली गई। वहीं इस मौके पर राजस्व अधिकारी, लेखपाल, वरिष्ठ अधिकारी समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। खबर औरैया से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही प्रदेश में बाबा बुलडोजर को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल औरैया में हाल ही में हुई शिक्षक की पिटाई से बच्चे की मौत पर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। बच्चे के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, एक होनहार बच्चा चला गया। इस परिवार और समाज का कितना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक सवाल उनके साथ हुए अन्याय का, तो अन्याय के इस दौर में हम लोग जो है पूरी टीम, जो प्रियंका जी ने एक डेलीगेशन बना के भेजा है, वो इस दुखी परिवार, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हर तरीके से हम सब कांग्रेस के लोग मिल करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसके लिए कहां तक लड़ना पड़ेगा, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोगों ने यहां पर पूरा हाल देखा तो एक खौफ का माहौल है। पूरे गांव के 200-250 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा दिया, जहां उस खूनी अध्यापक को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। वो बुलडोजर क्या कर रहा बाबा जी का, जिसने एक बच्चे को मारा, वो बुलडोजर उसके घर पे क्यों नहीं पहुंच रहा? कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीति और नियत पर हमें संदेह है। आज भी इनके परिजनों की मांग है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, और जो झूठे मुकदमे पूरे गांव के अंदर, अब कोई उनके घर पर रोटी देने भी नहीं आ रहा। अलीगढ़ अग्रवाल युवा संगठन की तरफ से श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 38 वर्षों में मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन एवं भव्य शोभा यात्रा का होना सुनिश्चित हुआ है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। बता दें कि रात के अंधेरे में नगर निगम द्वारा जयंती से संबंधित शहर के रास्तों पर लगे स्वागत द्वार तोड़कर नाले में फेंकवा दिया गया, जिसको लेकर महाराज जी का यह अपमान देखकर पूरे समाज में आक्रोश है। 38 वर्षों से लगातार अग्रवाल युवा संगठन द्वारा जो महाराजा अग्रसेन जयंती के तहत जो जयंती मनाई जाती है, आज उसी के संदर्भ में पूरे महानगर के अंदर करीब 150 से 200 जो है स्वागत द्वार जो बनाए जाते हैं, उनमें से 40 से 50 स्वागत द्वारों को आज सुबह नगर निगम ने अपनी महावजी व अपने बल प्रयोग कर कुछ तथाकथित ठेकेदारों के माध्यम से जो वहाँ स्वागत द्वार तोड़े हैं, उसका विरोध और उसका जो अग्र समाज के अंदर जो अंदर से जो विरोध है इसका,
उसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। श्री अगवा युवा संगठन द्वारा पिछले 38 वर्षों से श्री अगसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा इसी संबंध में शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार लगे हुए थे, जिसमें कि श्री अगसेन जयंती महोत्सव की शुभकामना संदेश प्रेषित हमारे सदस्यों द्वारा किए गए थे। नगर निगम द्वारा रात को यह द्वार तोड़ दिए गए, जिसमें महावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी द्वारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 14 एलिवेटेड रोड पुलिस ने जन्मदिन का जश्न मनाते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 8 कारें भी सीज की हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग जश्न में इतने डूब गए थे कि सड़क पर कारें उल्टी सीधी खड़ी करके और म्यूजिक लाउड कर जमकर हुड़दंग काटते हुए पार्टी के नशे में सराबोर होकर राहगीरों को अपशब्द बोलने लगे, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। अलीगढ़ के कस्बा अकराबाद में राम बारात बड़ी धूमधाम से पुलिस की निगरानी में निकाली गई। जानकारी के मुताबिक कस्बे में 5 दिन से लगातार चल रही रामलीला आयोजन किया गया था, जिसमें रात में राम बारात का आयोजन किया गया। वहीं राम लक्ष्मण की जोड़ी और भव्य झांकियां बहुत ही मनमोहक लग रही हैं। बता दें कि राम बारात में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस की भी बड़ी निगरानी रही। हरदोई में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने पीएफआई के बैन होने पर भी ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। जगदम्बिका पाल ने कहा कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार का ये फैसला अहम है। इसके साथ ही कहा कि सारे सबूत और जिस तरह से ये बाहर की फंडिंग से इस देश में हिंसा और कट्टरवादिता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसके सारे सबूत और जिस तरह से ये बाहर की फंडिंग से इस देश में हिंसा, अस्थिरता और कट्टरवादिता फैलाने का प्रयास कर रही थी, और पिछले दिनों जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके से कई राज्यों में जब रेड हुई तो आईडी बनाने के दस्तावेज, तो अब आप सोचिए जिस संगठन के लोग अगर विस्फोटक बना करके और वो अयोध्या में काशी में, तो ये सारे सबूतों के बाद उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने लाइब्रेरी कैंटीन से लेकर बाबा सैयद गेट तक कैंडल प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बता दें उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर छात्रों ने श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला था। इस दौरान एएमयू छात्रों ने इस हत्याकांड में न्याय को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके साथ ही छात्रों ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर ले रखे थे, जिसमें उन्होंने जस्टिस फॉर अंकिता स्लोगन लिखा हुआ था। हमारा मकसद, ये कैंडल मार्च का मकसद था कि भारत की देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में जो भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य द्वारा जो हमारी देश की बेटी और हमारी बहन अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में और उसे अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये कैंडल मार्च का निकाला है। ये कैंडल मार्च हमने लाइब्रेरी कैंटीन से लेकर बाबे सैयद तक निकाला है, और मेरी राष्ट्रपति महोदय जी से ये मांग है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाकर भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म किया जाए। ना ही कोई कार्रवाई हुई है, वहाँ कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई है कि सिस्टमिक बेब कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बुलडोज़र हमने उस जो होटल था, रिजॉर्ट था, उसका यहाँ किता हमारी बहन काम किया करती थी, और रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चला दिया गया, और बाद में जब वहाँ के प्रशासन से पूछा जाता है, पुलिस प्रशासन मना करता है कि हमारी संदिग्ध में हमें नहीं पता है ये बुलडोज़र किसने चलवाया है। कैंडल मार्च अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने निकाला है। एक हमारी बहन थी अंकिता, जिसका उत्तराखंड में रेप हुआ और रेप भाजपा नेता के बेटे पुलकित ने किया है। हम उसके
लिए यहाँ पे आए हैं कि उसको इंसाफ दिया जाए और इस भाजपा के बेटे को गिरफ्तार करके इसके सलाखों के पीछे डाला जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट निकाला है। खबर औरैया जिले से है, जहां आयाना थाना क्षेत्र के जूही का गांव में यमुना नदी में एक अज्ञात युवती का हाथ पैर बंधा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और शिनाख्त में जुट गई, लेकिन पुलिस शव की शिनाख्त अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं सीओ ने बताया कि शव से 2 दिन पुराना है, फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निकट पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी बघौली के साथ क्षेत्राधिकारी संडीला के कुशल नेतृत्व में थाना कछौरा और संडीली पुलिस की मुठभेड़ में 2 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 52,900 रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलहे बरामद कर लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। संडीला में बैंक मित्र से लूट की घटना की गई थी, उसे गोली मारी गई थी। इसके संबंध में कल रात की चेकिंग के दौरान 2 बदमाश, सीतापुर के साथी बदमाश, वह मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए और उनसे इस बैंक मित्र से लूटे गए पैसे बरामद हुए। जो प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई और जो बैग था वहाँ उसे ले जाया गया था, जो पैसा था वही बरामद हुआ था। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।